बाप रे, मैंने देख रहा ये वही है ना जिसको उतारते हुए खूब तुम जयकारा कर रहे थे, मेरे को लगा कि पता नहीं क्या हो गया। हम जहाँ से एकांत को लाए थे वहीं से ही है ना, वियर्ड ना, एकांत का भी आंख वाला ही केस था। उन्होंने बताया कैसे लगी है? उन्होंने लड़ाई झगड़े में शायद। देखो कितना स्वेलिंग है, बहुत बहुत ज़्यादा टिश्यू है, नेक्रोसिस है, अभी हम मार्केट नहीं देख सकते, कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ एन एस ए फ्लश कर। आँख है इसकी? आए तो मुझे लगता है कि नहीं बची है, तो ज़्यादा क्लियर पिक्चर तब मिलेगी तो स्वेलिंग कम होगी थोड़ी सी। जो पिछला वाला वूंड है लेग वाला, वो बहुत डीप नहीं है और उसमें मैगट्स भी लग रहे हैं, तो उसको भी अभी के साथ पैक कर दिया, तो कल उसको डिपार्टमेंट हो जाएगा। सर एक्चुअली ना चढ़ी से हमें कॉल आई है अभी, तो बताया उन्होंने कि एक गाय है जिसने शायद 2 घंटे पहले ना बच्चा डिलीवर करने की कोशिश की है ना, लेकिन डिलीवर हुआ नहीं। सुबह सुबह इसका बच्चा खत्म हो गया अंदर। बच्चा खत्म हो गया? हाँ, डॉक्टर बहुत कोशिश, गाय नहीं निकल पाए, सिविल हॉस्पिटल से आए थे, बहुत जोर लगाए, निकल नहीं पाया इसका बच्चा, ये अलबेली है। जिसने ट्राई किया ना, दांत तोड़ दिए इसके बच्चे के, पूरा जबड़ा बाहर आ गया, थोड़ी सी फट गया, फट गया, क्या फंसा है रस्सी उससे? हुक। हमारे सामने एक ये दिक्कत थी कि हम उसके मैंडिबल में रस्सी नहीं लगा सकते थे, फिर हमने ट्राई किया कि हम उसके जो आगे वाले पैर हैं वहाँ पे रस्सी बांधेंगे और हेड को करेक्ट करके रखेंगे एंड देन हम खींचेंगे। ड्रिप पे रखेंगे इसको? हाँ हाँ, वो क्या है कि बच्चा मर चुका है ना, तो उसकी वजह से अंदर शरीर में जहर बनता है। अच्छा। वो जहर खून में मिक्स हो जाता है, तो उसके लिए ये ग्लूकोज चढ़ना जरूरी है ताकि वो जो जहर है वो यूरिन के रास्ते बाहर निकले, अंदर जाए नहीं रही, बाहर आ रही है। ये अपने आप होगा मतलब धीरे धीरे। लेके जा रहे हैं? क्यों, क्या हो गया? जाना देखो ना, पूरी ओपन है, कीड़े पड़ने का डर है, या कुत्ते इसको लगेंगे ना रात को, ये उठ नहीं पा रही, तो इसको हो सकता है काट, मतलब ये कुछ कर नहीं पाएगी कुत्ता होगा ना, इसलिए लेके जा रहे बढ़ गया, जो अच्छी बात है या कम हो गया? कम ने कहा कि टेम्प बढ़ गया, जो कि अच्छी पहले से बढ़, हाँ जो कि अच्छी बात ही है ना कि पहले से बढ़ गया, वही मैं पूछ रहा हूँ। खड़ी हो रही है? नहीं, तो उन्हें सी सेक्शन करना चाहिए था, सिजेरियन करना चाहिए था ना, तो मतलब अगर जैसे हम कल सुबह आए और ये खड़ी हो गई है तो हम कहेंगे कि हाँ। तो कहते वहाँ पे भी कोई पेन किलर दिया है क्या इसको? अच्छा, तो फिर ये दूध हम बचा के नहीं रख सकते ना, कोलेस्ट्रॉल के तौर पे हमारे को काम आता है ना कोई बछड़ा वछड़ा है, तो कि वो पहला गाढ़ा दूध ही है ना ये दूध ही, खड़ा करेंगे इसको अभी हम? नहीं यार, अभी तो इसमें भी उतनी ताकत नहीं है और काफी इसके साथ खींचा खाने बेचारी के साथ पहली हो गई है, तो इसको बस सुला रहे हैं हम। ये बैल उधर कर देते हैं। टेंपरेचर मैनेजमेंट खड़ी हो गई, हाय टाउन खड़ी हो गई। साहिल भाई मुझे बस यही खतरा है कि अब ये ठीक है और ठीक ठीक यहाँ से चली जाए, यहाँ पे रहे और कोई सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन होती है तो फिर थोड़ा बस वो रहता है। सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन मतलब? क्योंकि मतलब ऑलरेडी इसका इतनी यहाँ पे जो इन्फेक्शन फैल रखे होते हैं, यहाँ पे कुछ खा लिया ठीक है तो कुछ दिन है, तो फिर रखेंगे इसका नाम रखेंगे लक्की को लीलावती। लीलावती पॉलिटिशियन नाम? पॉलिटिशियन है कोई? नहीं, मेरे को लग नहीं रहा साउंड पॉलिटिशियन की तरह, हो सकती है लीलावती। टाइनी, पर टाइनी हम किसी इसका रखेंगे, टाइनी रख सकते हैं, टाइनी। हमने सोचा छोटा सा बुखार है उधर हॉस्पिटल दिखा लेते हैं, अपने सरकारी हॉस्पिटल में गलत इंजेक्शन लगा दिए कोई, कम से कुछ दिखाया है फिर वैसे पागलों की तरह हरकत कर रहा है, कोई चीज़ रख दे तो उसको काट रहा है। अभी अभी थोड़ी देर में गुस्सा आएगा तो मुझे भी काटेगा, ऐसे कर रहा है। ये एक्चुअली इसमें लीवर में इसके पेन लग रहा है,
क्योंकि टॉक्सिसिटी की वजह से कई बार हो जाता है। लीवर बढ़ेगा तो उसको दर्द होती रहेगी, तो उसकी वजह से काटने की कोशिश कर रहा है। और गर्दन के ऐसे शायद पैरासीटामोल इंजेक्टेबल दिया हुआ है, तो वो डॉग्स में जनरली देते नहीं है क्योंकि वो हिपाटोटॉक्सिक, मतलब लीवर के लिए थोड़ा सा टॉक्सिक होता है। अब ये अंधेरा तो किसी कम अनुभवी वेट की वजह से हुआ, पर अक्सर ऐसे कांड तब होते हैं जब हम अपनी दवाइयाँ खासकर पैरासीटामोल अपने कुत्ते बिल्लियों को दे देते हैं। देखिए जब हम बीमार होते हैं तो हम अपने कुत्ते बिल्लियों की दवाई नहीं लेते ना, उसी तरह उनके बीमार होने पर हमें उन्हें अपनी दवाई भी नहीं देनी चाहिए, खासकर पैरासीटामोल, जिससे बिल्लियों की तो मौत तक हो सकती है। अभी हम इसको एंटीडोट दे रहे हैं और ये एंटीडोट इनको घर के लिए भी देंगे ताकि हर 4-5 घंटे में इसको पिलाते रहें। शैम्पू रिलीज हो रहा है क्या? फिर कहाँ जा रहा है? बाहर वाले कौशल शिफ्ट कर रहे हैं इसको। अच्छा, एक बैल का रेस्क्यू है, जगह नहीं हमारे पास, तो इसलिए इसको बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। नवीन भाई मारेंगे तो नहीं ना शैम्पू को? ये अच्छा यहाँ छोड़ रहे हैं, या तो इसका वेलकम कर रहे हैं, इसको धमका रहे हैं हमारे एरिया। इसका एक इंटरेस्टिंग दृश्य दिखाता हूँ। अब इन दोनों की दोस्ती हो गई है। अरे दोस्ती कैसे हुई है विक्की? मैं इसे रोटी खिला देता हूँ। बताओ, और लोग ऐसे मूड मत हैं उतने, उन्हें छोटी सी बात नहीं समझ में आती। विक्रम जो डॉग है अग्रेसिव वाला, उसका प्रॉब्लम ये है सो कॉल्ड अग्रेसिव, लेकिन जब हम उसको नेट डालते हैं तो बिल्कुल सीधा बैठ जाता है ना। अच्छा, है ना, लेकिन जब वहीं पे अगर स्टिक से हमने नेट को प्रेस करने की कोशिश की ना, तो वो बहुत अग्रेसिव हो जाता है। आपके हाथ को बचाने के लिए हम डंडे को कुर्बान कर रहे हैं सर। बस तो इसका हम ट्रीटमेंट ऐसे करेंगे आगे भी नेट में डाल के? हाँ जी। आई गया भाई, हो गया ना जी। इसकी तो कल सर्जरी हुई ना? हाँ जी। इसे क्या ट्रीटमेंट चल रहा सर? एंटीबायोटिक्स, पेन किलर। हो गया, वेरी गुड बच्चा। नेट डाला, वो बिल्कुल सीधा बैठ गया। सेकंड किसी ने पीटा है ना छड़ी वड़ी से। डॉग लाए थे ना एक पंचायत में, प्रधान जी ने डॉग दिया था, बड़ा परी अग्रेसिव था, तो मेरे ख्याल उन्होंने जान बचाई उसी। उनसे मिलने जा रहे हैं? उनसे मिलने जा रहे हैं। अब जैसे उसकी न्यूट्रल सर्जरी कर दिया हमने उसकी, तो उसको हम वापस यहाँ रिलीज कर सकते हैं? नहीं, फिर वो वैसे तनाव वाली बात हो जानी, क्योंकि वैसे भी लोगों में डर बैठ गया उसको लेकर के। अभी यहाँ नीचे से रिसेंट लड़का भी था एक छोटा सा, वो बेचारा वहाँ रोड पे चलो, तो उसको तो बुरी हाल से, उसने जकड़ ही लिया था। तो मैं तो डर गया था, मैंने कहा यार इसके साथ कुछ हो गया, बच्चे के साथ, किसी के साथ भी कोई इंजरी या कुछ मिसेज बड़ी दिक्कत होती है, तब तो मुश्किल होती है, किसको संभालोगे आप? तो अब आपके नज़रिए के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब जो कुत्ता हेल्दी है, सही है, जिसको कोई चोट नहीं लगी, उसको हम भी अपने पास नहीं रख सकते ना, क्योंकि हमारा तो हॉस्पिटल है, हम लोग इलाज कर सकते हैं बस उसका। इसको तो मैं भी समझ रहा हूँ, फिर यहाँ छोड़ने पे वो लोगों में भय भी बना हुआ है कि कहीं वो काटेगा, या लोगों ने फिर वैसे उसे टॉर्चर करना या कुछ करना शुरू कर दिया और किसी को नुकसान किया, तो फिर तो मेरे ऊपर ही पूरी बात आ जानी कि नहीं नहीं। ये तो है, अगर आप लोगों से बात करो तो मान जाएं। मैंने उनसे बात करा कि भाई वो शांत हो चुका है, अब नहीं काट रहा किसी को भी, तो फिर भी पर लोगों को था नहीं कि नहीं यहाँ नहीं रखना बस उसको। अब विक्रम ना थोड़ा तो डराता भी है, पर वो किसी को काटेगा नहीं, पर लोगों के मन में दहशत बैठ गई है, बद से बदनाम बुरा वाली बात है। तो जैसा प्रधान साहब ने कहा, अगर हम उसको छोड़ते हैं तो लोग उसको पीट पीट के मार देंगे। अब मैं किसी अधिकारी के पास जाता हूँ तो वो कहेगा कि भाई यहाँ पे आदमी की जान की कीमत नहीं है, तुम जानवर की बात करे हो, भागो यहाँ से। तो अब आप मुझे बताओ, विक्रम हो गया है ठीक, हम उसको क्लिनिक में रख नहीं सकते, तो हम करें तो करें क्या? क्या कर रहे हो दादू? ये बीमार गिर गई कि बात सुनना, उसको बना रहे हैं। बहुत जल्दी बना दिया आपने तो। अभी कहाँ भाई, हॉस्पिटल का अपडेट ये है कि बिजली का काम अभी चल रहा है, अब जैसे जैसे छोटे छोटे काम हो रहे हैं ना, तो काम बहुत स्लो हो रहा है। ये अभी कैनल्स के पास प्लेक्सीग्लास की सीलिंग हो रही है ताकि सर्दियों में हम इन्हें गर्म रख पाएँ। खिड़कियों में जहाँ जालियाँ लगनी थी लग गई हैं, कई जगह कांच लगने बाकी हैं, मोस्ट ऑफ द सिक्योरिटी डोर्स और अंदर के दरवाजे भी लग गए हैं। अब जैसे ओटी है, इसका हमने लास्ट मिनट चेंजेस कराए हैं, यहाँ पर बाद में एल्यूमिनियम के डोर लगने हैं, कई कमरों में फॉल्स सीलिंग होगी, जैसे ये हमारी फार्मेसी है। फिलहाल तो यह जब तक अस्पताल शुरू होगा तब तक बरसातें सर पे होंगी या शुरू हो चुकी होंगी, तो सड़क का काम हमने शुरू करा दिया, नहीं तो हमारी जो जीप है या भूसे का ट्रक है वो तो धस ही जाएगा। एटलीस्ट जो मेजर सिक्योरिटी डोर्स हैं, जहाँ जहाँ पे ऐसे शटर्स लगने थे या ग्रिल लगनी थी, वो काम हो गया है। काउ शेड मोस्टली डन है, फ्लोर्स, खुरलियाँ, ड्रेनेज बेहतरीन, तो मतलब मेंटेन करना इजी रहेगा। बस अब ये जो बड़े बड़े भोंके हैं, जो गैप्स हैं, होल्स हैं, वहाँ पे मच्छर जाली आनी है, उसके ऊपर
पर्दे आने हैं, तो छोटे छोटे काम काफ़ी सारे हैं। अगर आपके कोई CSR में कॉन्टैक्ट्स हैं, हमें फंड्स CSR फंड्स मिल सकते हो 30-35-40 लाख, तो आप प्लीज़ robin@peoplefarm वहाँ पे हमें ईमेल करिएगा। तुम्हें आता है तरबूज खाना? चाली को खा रहा है, इस लाइक मूसली विद फ्रूट। पहले लाल हिस्सा गायब करेंगे तब हम हरे हिस्से तक हैप्पी नहीं है वो मक्खियों की वजह से। अच्छा आप स्प्रे कर रहे हो वहां से, ये ले एसोसिएशन अच्छी हो जाएगी इसकी। ले 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 ले। यो। और ये लोग कहते हैं इसको फ्रेंडली वे में क्यों नहीं पकड़ लेते, फ्रेंडली वे में क्यों नहीं पकड़ लेते। केयरफुल रोबिन, मतलब पूरा एक्टिवेटेड है इससे ना उसका। आई गॉट टू पिक माय बैट। ये डॉक्टर मुश्किल की वजह से भाई जो स्प्रे लगा रहे हो डीमैक्स पे। अब ऐसे दो लेके क्यों चले, वैसे करोगे आप? ये हमारे गुरु है जो महाराष्ट्र में सांगली कोल्हापुर में। अच्छा। जानवर है रोड साइड पे जो मतलब घायल है, तो उनको मतलब रेस्क्यू करके लोग वहाँ पे लाके छोड़ देते हैं, तो उनके सारे ट्रीटमेंट्स और ये करके फिर उनको दोबारा रिलीज कर देते हैं। तो आपको काव रेस्क्यू का प्रेरणा कहाँ से मिली? हमारे गुरुवर थे जो 2014 को एक्सपायर हुए, तो सभी को दया भाव से देखते थे, कोई आदमी हो कोई पशु हो पंछी हो। क्लिनिक है या गौशाला है? नहीं क्लिनिक ही है ऐसे तो। हमारे पास मोस्टली ऐसे ही आ जाते हैं जो डैमेजेबल है, वो रिपेयर नहीं हो पाते, ऐसे ही हमारे पास आ जाते हैं। उनका क्या करते हैं आप? हम लोग हमारे पास रख लेते हैं, जितना हो सके ना उनका ख्याल रखते हैं, जितना उनको बचाने के प्रयास है उतना कर लेते हैं, लेकिन उसमें से भी वो नहीं बच पाते तो होम हवन वगैरह करते हैं और उनके आत्मा को शांति मिले इसलिए हम प्रार्थना करके जितना हो सके एंड ऑफ लाइफ केयर आप करते हैं। और आप लोग तो यूथनेशिया भी नहीं करते होंगे ना? यूथनेशिया जैसे कि भाई पता है कि ये बहुत ज़्यादा सफरिंग में है एनिमल, और तो भाई इसको दया मरण नहीं, इंजेक्शन वगैरह हम इतना समझते हैं कि वो हमारे परिवार का है। अगर परिवार का आदमी या कोई भी माँ हो बाप हो बेटी हो बहन हो कुछ भी हो, उसको कुछ ऐसा प्रसंग आ जाए तो उनको हम इंजेक्शन देकर हम दया मरण करते हैं क्या? उनको इंजेक्शन लगवाते हैं? लिख के दे रखा है ना मिसेस को कि भाई मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है 5-6 दिन देख लेना, उसके बाद ये खुद ने आपने स्वीकारा है आपने बताया, लेकिन जितने भी ये पशु पंछी है ना उनको जीने की लालसा रहती है, मरने का तो कोई नहीं चाहता। बट वो तड़प रहा है, वो माँ बाप भी तड़पते हैं ना, उनको क्यों नहीं देते इंजेक्शन? फिर आई थिंक ये ना तुम्हारे पर्सनल बिलीफ सिस्टम पे आ जाता है। जैसे मैं क्या करता हूँ, मेरे लिए जो है सफरिंग जो है वो हायर है, लाइफ का तो कोई मतलब लगता नहीं मुझे। ये है कि हम लोग ह्यूमन लोग लाइफ को एक मतलब दे सकते हैं, जानवर तो पैदा होगा रिप्रोड्यूस करेगा मरेगा है ना, पर अगर वो सफरिंग में तो मुझे लगता है यार इससे अच्छा वो पहले चला जाए। अब वो बिलीफ से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, है ना वो वाली बात। मुझे आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, आप सुलझे हुए लोग कम मिलते हैं। दूध का सेवन करते हो आप लोगों ने? अभी तो चलता है, झूठ नहीं बोलेंगे। क्योंकि हम ये जो परंपरा चल रही है, जो पूर्वज भी इसी से सब दवाई वगैरह बनते थे जो होम्योपैथिक आयुर्वेदिक में चलता है, तो घी से भी उसका दवाई चलती आ रही है, दूध से भी चलती आ रही है, इसलिए हम उसे त्याज नहीं मानते, लेकिन जितना चाहिए उतना ही। हाँ, मैं खुद अभी तो खुद दूध नहीं पीता, ऐसा तो चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, जितना हो सके वो टालते ही है। तो ये क्या कर रहा है फिर से चैनल में? देखा मैंने। ये कौन है? जोगी है? जोगी। इसको कैनल में, अच्छा कास्ट्रेशन है इसकी? नहीं, अभी कभी अप आ रहा है कभी डाउन आ रहा है, तो इस वजह से इसको सेफ्टी के लिए अंदर रख रखा है।
तो कंबल वगैरह डाल के पूरा पैक कर देते क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है ना। वो तुम फॉस्टर कर रही थी ना, समझ सको पहले डायरिया और वोमिशन हुआ था और उसका ट्रीटमेंट हमने उसको किया था, तो उसके बाद उसका डायरिया और वोमिशन तो बंद हो गया पर एपेटाइट थोड़ा कम हो गया था। और उसके बाद जब हमने उसको चेकअप किया कुछ का 102 था रात को। एक सेकंड रुको, एक सेकंड। चेकअप करते करते मुझे उसके सिर पे ट्विचिंग फील हुई। क्या नो? हाँ ट्विचिंग तो है। रुको हाँ। उसके बाद हमने उसकी ट्विचिंग के लिए ही ट्रीटमेंट किया और उसके बाद उसके साइंस थोड़े से बढ़ते चले गए जो भी कैनाइन डिस्टेंपर के लिए सजेस्टिव थे और हम उसको ट्रीट फिर भी कर रहे थे पर हम उसको एंड में नहीं बचा पाए। स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा अगर साथ में काम ऐसा है, लेकिन हम ऐसे नहीं हो सकते ना क्योंकि आते रहेंगे हमारे पास। अब नेहा बिल्कुल सही कह रही है भाई, जो चला गया उसके बारे में क्या सोचना, क्योंकि फिर जो आपके हाथ में है ना वो भी हाथ से निकल जाएगा और ये बात जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं पर लागू होती है। पता सबको होता है पर यही है कि इसको अप्लाई कैसे करें। तो भाई अब जैसे हमारे केस में डीजे एसिड है जिस पे किसी ने तेजाब फेंक दिया था, हम उसको नहीं बचा पाए, तो हम अपने मन को इस तरह मना लेते हैं कि भाई वो जितने समय तक रहता बहुत दर्द में रहता, हम उस पे जितना ध्यान देते हैं वही ध्यान हमारे जो और केसेज हैं, गाय आ रखी है जिसका गला फटा हुआ है, एक बैल आ रखा है जिसके टेस्टिकल्स कटे हुए हैं, एक और गाय आई है आज जिसके सर पे मैगट जो है मतलब सर के अंदर तक पहुँच गए हैं, हम उस पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो यही है अपने मन को मनाने वाली बात है ताकि जो आपके सामने हैं आप उस पे अच्छे से फोकस कर पाएं। वो बेटर है ना जिसको ऑक्सीजन दी थी? हाँ, हाँ, तारा तारा हाँ ठीक है, बेटर है। 3-4 दिन इसका फ्लूइड भी चला है हाँ। है ना, और क्योंकि वीक भी बहुत थी ना, ये बहुत ज़्यादा वीक, और उसकी हार्ट की मेडिसिन भी चल रही है। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंजेक्शन ये टेप क्यों कर रहे हैं ताकि नाम लिख के पता लग जाए जिसके इंजेक्शन है ना, काफी होते हैं ना। ओ वाह, यहीं से रिफिल करके लेके, यहीं से फिल करके लेके जाते हैं लोग इंजेक्शन सारे। हुआ क्या डॉग के साथ? मुझे कुछ नहीं पता, मैं इसको खाना देता हूँ अभी, जैसे शाम का टाइम खाना देने आया था उस टाइम पे बस रोड के साइड में खड़ी हुई थी। 105.3 पहले पहुंच आया था। ज्यादा टेंपरेचर इसको मतलब फिलहाल तो टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा ना, थोड़ा गीला कपड़ा रख के। तो ये कि ये रहेगी कहाँ? नहीं सर यहाँ तो नहीं रख सकते, आपको पता है। देखिए मैं ऑनेस्ट वो बताऊंगी आपको, जो डिस्चार्ज है आँख से नाक से और जो बाकी सिम्टम्स है ना, इसको इन्फेक्शन हो सकता है ना। अगर हम लोग ट्रीटोन स्ट्रीट मैनेज कर लें तो आप रख सकते हो इसको अपने घर के पास में। मेरे पास ऑलरेडी 10 डॉग्स हैं। हम लोग बस अभी इतना कर सकते हैं ना कि इसको रख तो यहाँ लेते हैं, लेकिन अंदर नहीं ले जा पाएंगे ना, तो हम साइड में जो हमारे जगह है थोड़ा वहाँ पर देखती हूँ मैं, केज में रखवा के इसको, जो अभी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है इमरजेंसी वो दे देते हैं। डॉग की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है है ना, चांसेस हम कह नहीं सकते। और देखिए अभी क्योंकि छुट्टी भी हो गई है, बहुत ज़्यादा स्टाफ नहीं है, तो जितना अभी प्रोवाइड कर पाएंगे वो हम कर लेते हैं ना। हमें बुखार को कम करने के लिए दवाइयाँ देंगे, प्लस इसको डिहाइड्रेशन भी है तो थोड़ा सा फ्लूड चढ़ाएंगे, ताकत के इंजेक्शन देंगे और साथ में एंटीबायोटिक देंगे। अभी हमारा वो है फार्म का अनऑफिशियल गेट टुगेदर, कोई भी आ सकता है फार्म में से, है ना? तरफ की मीडिया टीवी जा रही है। सांप मॉडल कितनी सही लग रही है। सांप हमारे एडिटर को सांप बोला जाता है। सांप बोल रहा है, सांप वो सांप एडिटर सांप सांप बोल रहा है। मैं कह रहा था कि जैसे आदित्य भाई ना, बहुत सारे वॉलंटियर्स आते हैं पीपल वर्मा में, वो एक्सपीरियंस के लिए आते हैं, कुछ सीखने के लिए आते हैं, कुछ करने के लिए आते हैं, मतलब सारे, बट आदित्य भाई जीने के लिए आते हैं। मेरे को जो महसूस हुआ उनको देख के, हेलो आए, उन्होंने हर एक मोमेंट जिया है अपने स्टाइल में। थैंक यू सर, थैंक यू। स्पेस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मुझे हील करने का मौका दिया, मुझे खेती करने का मौका दिया, सो थैंक यू। फिर मिलेंगे, अभी मैं गुजरात जाऊँ छू, 6 महीना में 5 वाइस।